हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएसटी हीरो मेकिंग लाइफ सिंपल। तो दोस्तों, जीएसटी हीरो इज अ प्रोडक्ट ऑफ पेरिनियल सिस्टम। पेरिनियल एक जीएसपी है और 100 मिलियन डॉलर ग्रुप का पार्ट है। पिछले 14 सालों से पेरिनियल सिस्टम आईटी एंड फाइनेंस सेक्टर में माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ काम कर रही है। पेरिनियल सिस्टम जीएसटीएन टीम के साथ भी लेटेस्ट प्रोडक्ट और अपकमिंग रिलीजेस के लिए टेस्टिंग का काम करती है। जीएसटी हीरो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, ई वे बिल जनरेशन, ई इनवॉइसिंग जनरेशन, डीएससी ई साइनिंग सॉल्यूशन, रिकंसिलिएशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारे एक्सपर्ट सीए जुगल दोषी आपको जीएसटी टॉपिक पर गाइड करेंगे। पिछले कई सालों से वो बिजनेसेस को टैक्सेशन के ऊपर गाइड करते हैं और 100 से भी ज्यादा वेबिनार और सेमिनार उन्होंने लिए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ आरसीएम इन जीएसटी। तो आरसीएम मतलब क्या होता है? आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो दोस्तों, जीएसटी यह इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यह टैक्स है किसके ऊपर? यह टैक्स है एंड कंज्यूमर के ऊपर। यह टैक्स उस आदमी के ऊपर है जो वो गुड्स या सर्विस कंज्यूम कर रहा है। आज मैंने लैपटॉप लिया, मैं पर्सनल पर्पस के लिए लैपटॉप लिया, तो मैं एंड कंज्यूमर हूं क्योंकि मैंने ये गुड्स, मैंने ये लैपटॉप कंज्यूम किया है पर्सनल पर्पस के लिए। कल मैं जाके रेस्टोरेंट में खाना खाता हूं तो मैं वो टैक्स भरता हूँ, क्योंकि क्यों, वो जो खाने का गुड्स या सर्विस है वो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, तो आई एम द कंज्यूमर। बट फ्रेंड्स, ये टैक्स कलेक्ट कौन कर रहा है और गवर्नमेंट को किसके पास से मिल रहा है? तो ये टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं सप्लायर, और गवर्नमेंट को सप्लायर दे रहे हैं, इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। बट इनडायरेक्ट टैक्स के जो ये इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें वापस रिवर्स चार्ज, मतलब ये केस में सप्लायर उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को नहीं भरता है, बट जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर ही उसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट को भरता है, और अगर उसको उसका सेट ऑफ मिलने वाला रहेगा तो वो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। तो फ्रेंड्स, क्या है ये आरसीएम, देखते हैं। तो सेक्शन 298 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एक्सप्लेन्स आरसीएम एज रिवर्स चार्ज मीन्स द लायबिलिटी टू पे टैक्स बाय द रेसिपिएंट of supply of goods or service or both instead of the supplier of service of goods or service supplier of goods or service or both। So ये केस में recipient जो है वो tax भरेगा। अभी RCM में दो types है, कौन से है ये दो types? RCM under section 93 and RCM under section 94। Section 93 का RCM जब अपन कहते हैं तो वो आरसीएम स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए है। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू ऐसे सर्विसेज नोटिफाई किए हैं कि अगर आप ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप ये गुड्स बेच रहे हो, तो ये केस में इसके ऊपर का टैक्स सप्लायर नहीं रेसिपिएंट भरेगा। और 94 ऐसा है कि जिसमें अगर आप यूआरडी मतलब अनरजिस्टर्ड डीलर के पास से कोई चीज खरीद रहे हो, यू आर रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो और आप ऐसे आदमी से खरीद रहे हो जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो केस में उसे यूआरडी आरसीएम यानी आरसीएम अंडर सेक्शन 94 हम कहेंगे। तो फ्रेंड्स, दोनों में फर्क ये है कि 93 का जो RCM रहता है, अगर हमने ऐसा कोई ट्रांजैक्शन किया, अगर हमने ऐसा कोई ट्रांजैक्शन में हम रिसिपिएंट रहे, हमने वो ट्रांजैक्शन इनवर्ड सप्लाई लिया, तो वो केस में भले ही हम जीएसटी में रजिस्टर्ड ना रहे, हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेके ये 93 के RCM का कंप्लायंस करना पड़ता है। तो आई होप फ्रेंड्स, दिस वीडियो वॉज हैज एनरिच्ड योर नॉलेज। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।
तो दोस्तों, अगर आपको जीएसटी हीरो का फ्री ट्रायल डेमो चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको जीएसटी हीरो के फीचर्स के बारे में बताना चाहूंगा। फीचर नंबर 1, जीएसटी हीरो आपको 100% डेटा सिक्योरिटी के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। नंबर 2, गवर्नमेंट के आए हुए चेंजेस को सॉफ्टवेयर में अपडेट करके आपका जो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग है उसको आसान बनाता है जीएसटी हीरो। नंबर 3, आपका कितना भी वॉल्यूम ऑफ डेटा हो उसे हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखता है जीएसटी हीरो सॉफ्टवेयर। एंड नंबर 4, आपको अगर कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है तो उसको आंसर देने के लिए हमारी डेडिकेटेड सपोर्ट टीम हमेशा अवेलेबल रहती है। तो जीएसटी हीरो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर का फ्री ट्रायल आपको चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें जरूर बताइएगा। लाइक करें हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।